Very good morning students. Today I will discuss with you worksheet number 13. This worksheet is on English subject. The worksheet is for class 6 students. Students, you will write first your name and then your class teacher name. The worksheet will be shared among the students on 9/11/2020. The topic of today worksheet is fun with words. वर्ड्स के साथ फन। अब बच्चों वर्ड्स को सीखते खेल खेल में। तो बच्चों यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर हाँ, इस वर्कशीट में 3 क्वेश्चन हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें अपोजिट हमको बताने हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दे दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को देखकर दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स जो कि पिक्चर के साथ ऊपर दिखाए गए वहाँ पर फिल करना है। देखिए जैसे बच्चों जो पहली पिक्चर है उसमें आपको दिखाई दे रहा है 2 लेडी है, 1 इज फैट अदर इज थिन। तो आपको नीचे देखना है कि फैट और थिन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर है ना, तो ये जो फैट और थिन है ये आ जाएगा ए के अंदर, पहले के ए में। ठीक है बच्चों, फैट और थिन। ऐसे जो बी पार्ट है, बी में 2 गेंद है, 2 बॉल्स, 1 इज बिगर एंड अदर इज स्मॉल। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बिग और स्मॉल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये आ जाएगा बी में, बी फर्स्ट के बी में, बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल। ऐसे जो पहले का सी पार्ट है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक दिन की पिक्चर है, एक रात की पिक्चर है। डे नाइट का आपको दिखाई दे रहा है ना, तो डे नाइट आपको देखो तो यहाँ पर है, तो यह आ जाएगा सी के अंदर, डे नाइट। ऐसे ही जो डी है उसमें आपको 2 कार्स आपको दिखाई दे रही है, 1 इज डर्टी अदर इज क्लीन। तो डर्टी क्लीन देखो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये डी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डर्टी और क्लीन। ऐसे ही जो ई पार्ट है उसमें 2 डोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट 1 इज क्लोज अदर 1 इज ओपन। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोज ओपन यहाँ पर है ना, तो ये ई में आ जाएगा, यानी क्लोज, ये डोर क्लोज है, ये डोर क्या है ओपन है। ऐसे जो एफ पार्ट है उसमें इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये इन्होंने कैप पहनी हुई है और हाँ बर्फबारी हो रही है, कोल्ड यानी सर्दी है वहाँ पर। ये देखो सूरज निकला हुआ है, पसीने निकल रहे, धूप ज़्यादा है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर हॉट है, गर्मी है, तो कोल्ड हॉट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो ये है कोल्ड हॉट, तो ये एफ के अंदर आ जाएगा। देखो कोल्ड, क्योंकि ये इस पिक्चर में हमको कोल्ड दिखाई दे रहा है, ये है हॉट। ठीक है बच्चों, इनमें आपको पिक्चर्स के नीचे देखना है और पिक्चर को समझ के हाँ अपोजिट हाँ इसमें दे रखे हैं अपोजिट वर्ड। ऐसे ही पूरी पिक्चर में अपोजिट के बारे में बताया गया है। अपोजिट को एंटोनियम भी कहते हैं, बिल्कुल विपरीत। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। देखो ये रहा, मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। वर्ड्स को मैच करना है उनके अपोजिट्स के साथ, यानी उनके उल्टे के साथ। जैसे ये वर्ड है वो यहाँ पे आपको अपोजिट्स दिखाई दे रहे हैं, जो इनके अपोजिट है उनको मैचिंग करनी है। जैसे पहला जो वर्ड है लव, लव का मतलब होता है बच्चों प्यार। अब यहाँ पे देखिए इसका हाँ उल्टा क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पर हेट है, तो नहीं प्यार और हेट का मतलब होता है नफरत करना। ठीक है ना, ये मैंने मैच कर दिया फर्स्ट को डी के साथ। ऐसे सेकंड है गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा और बैड का मतलब होता है बुरा, तो ये ई से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे शिट, शिट का मतलब होता है बैठना और स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, तो ये इससे हो गया बच्चों। देखो ऐसे डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा और यहाँ पर आपको लाइट भी दिखाई दे रहा है, लाइट, लाइट का मतलब रोशनी। ऐसे हार्ड का मतलब होता है कठिन और सॉफ्ट का मतलब होता है नाजुक। देखिए ऐसे फास्ट का मतलब होता है तेज, स्लो का मतलब धीरे। देखो सभी वर्ड्स अपने अपोजिट, जो इनके अपोजिट वर्ड होते हैं उनके साथ मैंने जोड़ दी है। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन दी सेंटेंस। बच्चों यहाँ पर सेंटेंसेज गिवन है, उन सेंटेंसेज में जिस वर्ड पर लाइन अंडरलाइन है, देखो अंडरलाइन जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, उनका आपको अपोजिट दिए गए यहाँ पर बॉक्स दे रखा है वहाँ से बताना है। चलो बच्चों बताते हैं। थर्ड का जो ए पार्ट है, दैट बॉक्स इज लाइट, यह बॉक्स हल्का है, लाइट मतलब हल्का, तो इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? हैवी। देखो ये रहा हैवी, तो पहल जो ए है वो में आएगा हैवी, HEAVY हैवी। ऐसे ही द कॉफ़ी इज टू कोल्ड, ये कॉफ़ी ठंडी है, ठीक है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा गम। देखो बी में क्या हो जाएगा? होट, HOT होट। ऐसे ही अगला जो सी है, योर आंसर इज रॉन्ग, आपका जो उत्तर है वो गलत है, तो गलत का अपोजिट क्या होगा? सही, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट, राइट का मतलब होता है सही, तो सी में क्या आ जाएगा? राइट, RIGHT राइट। अच्छा डी है, प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया करके दरवाजे को खोल दीजिए, ठीक है ना, ओपन मतलब खोलना, क्लोज मतलब बंद करना, तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा डी में, CLOSE क्लोज। ऐसे ई है, द दिस रूम इज क्वाइट डर्टी, यह कमरा काफ़ी गंदा है, डर्टी का मतलब गंदा, और इसका अपोजिट क्या होगा? क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा, तो यहाँ आ जाएगा ई में आ जाएगा बच्चों CLEAN क्लीन। ऐसी एफ है, आई विल डू दिस वर्क ड्यूरिंग द डे, यह मैं यह कार्य दिन के दौरान करूँगा, डे का मतलब दिन, तो इसका हो जाएगा नाइट, है ना, तो यहाँ आ जाएगा नाइट, NIGHT नाइट। ठीक है बच्चों, ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो अपोजिट जो वर्ड यूज हुआ है उसको हम एंटोनिम भी कहते हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट में केवल 3 ही क्वेश्चन थे, तो वह वर्कशीट यह वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।